सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष एंड आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में बाइनरी ट्री के। हम जैसा कि आप सबको पता है हम बाइनरी ट्री का कोर्स कर रहे हैं और हमने बेसिक्स थोड़े बहुत कर लिए हैं उसके कि बाइनरी ट्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री क्या होता है, और मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन क्रिएट द बाइनरी ट्री बोर्ड पे मैंने समझाया था। नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट दैट बाइनरी ट्री कोड जो भी हमने किया था उसको आज हम C++ के कोड में करने वाले होंगे बिकॉज मैं सारे कोड C++ में करूंगा। सो इफ यू गाइस वांट कि आपको पाइथन वगैरह में चाहिए तो वो भी सिमिलर होता है, आप थोड़ा नेट पे सर्च कर सकते हो, बट आपको सिंपल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि बाइनरी ट्री आप कैसे क्रिएट करोगे। उसी पर शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग कर ही लेते हो, सब्सक्राइब कर लेना, 1000 के सब करीब पहुंचने वाले हैं। और लाइक शेयर कमेंट आप लोग अपने मर्जी के अनुसार जिसको शेयर करना है उसको कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री बनाने के लिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इनकेस आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। और इस बाइनरी ट्री के पूरे डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में आपको बाइनरी ट्री और थोड़ा सा बेसिक्स के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। इसके बाद फिर हम ग्राफ वगैरह शुरू कर रहे हैं। तो अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो बाइनरी ट्री का वीडियो जाकर के एक बार चेक करो कि क्या है उसमें और कैसे हमने नोड वगैरह क्रिएट किया था। अब देखो नोड वगैरह क्रिएट कर लिया ठीक है, लेकिन अब बनाएंगे कैसे? तो उसमें सबसे पहले हमें एक बाइनरी ट्री कैसे बनाते हैं, एक ऐसे गोला ही होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे, कुछ ऐसे हमारे पास कुछ नोड बनी रखी होती है, राइट? कुछ नोड और इसके कुछ यहाँ पे रूट नोड वगैरह। अब एक बाइनरी ट्री मैंने बताया था आप एरे और लिंक लिस्ट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले होंगे, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे और आगे सभी में। तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर मैं सिंपल सा अगर मैं एक नोड बनाऊँ लिंक लिस्ट की, तो इसमें हमारे पास एक यहाँ पे हमारे पास होता है वैल्यू होती है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर होता है एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है, एड्रेस हमारे पास नेक्स्ट नोड का। तो अब हमें एक किसी भी नोड को बनाने के लिए या फिर किसी भी बाइनरी ट्री को बनाने के लिए क्या चाहिए, अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखो, जैसे लाइक अगर मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ तो शायद, हाँ, अगर तुम इसको एक बार ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा दैट कि अगर सपोज करो एक ये मैंने एक रूट नोड बनाई, ठीक, इसके बाद फिर मैंने एक इसका चाइल्ड बनाया, एक मैंने इसका चाइल्ड बनाया, ठीक, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर रूट नोड ऐसी हो सकती है इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं होगा। तो सपोज करो ये जो रूट नोड है इसको मैंने अगर मैं लिंक लिस्ट की फॉर्म में अगर मैं इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा, देखना कि मैंने एक इसको ऐसे बना दिया, मैंने बोला था डब्ली लिंक लिस्ट हम बनाएंगे इसमें, ठीक, तो हमने ऐसे कर दिया। इसमें कुछ तीन चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए उस नोड की वैल्यू, दूसरा हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर और राइट चाइल्ड का पॉइंटर, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो ये तीन चीज़ें चाहिए। अब इन तीन चीज़ों को हम कैसे लेकर के आएंगे इसमें, तो ये देखो, तो सबसे पहले C++ कोड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली दिख जाए, अगर जो लोग फ़ोन पे भी देख रहे हैं। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी और यहाँ पे बनाते हैं मेन फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं मेन फंक्शन अपना, इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे। अब मुझे कुछ ऐसा ट्री चाहिए, ट्री बनाने के लिए मुझे तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो नोड, एक तो रूट का जो भी हमारे पास जिसमें वैल्यू होगी, एक लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर, एक राइट चाइल्ड का पॉइंटर। अब C++ में हम इसको दो चीज़ों से बना सकते हैं, आइदर यू कैन मेक इट विद अ क्लास और यू कैन मेक विद अ स्ट्रक्ट। अगर आपको सब चीज़ नहीं पता तो C++ की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो स्ट्रक्ट हम बनाएंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर का मैं नाम रख देता हूँ नोड, ठीक है, स्ट्रक्चर का मैंने नाम रख दिया नोड। अब इसके अंदर मैं जितनी भी तीन चीज़ें लगाऊंगा वो नोड में आ जाएंगी। तो नोड में क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए एक मेरे पास डेटा जो कि उसके अंदर होगा, नेक्स्ट थिंग या फिर बोल सकते हो वैल्यू जो हम उसमें रखेंगे, नेक्स्ट थिंग जो हम रखेंगे उसमें वो क्या रखेंगे हम उसकी नोड पॉइंटर लेफ्ट चाइल्ड का, तो नोड और इसी का पॉइंटर लेफ्ट चाइल्ड, ठीक, सिमिलरली node star right child और स्ट्रक्ट को यहाँ पे बंद कर दो। तो ये एक हमने अपना नोड यहाँ पे डिफाइन कर दी कि हमारे पास वैल्यूज होंगी और नोड में वो इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब एक हम बनाते हैं एक बढ़िया सा, हम एक बनाते हैं एक अपना सा क्या बोल सकते हो, एक बाइनरी ट्री, जो कि बाइनरी ट्री को जिस तरीके से बनेगा कि उसके अंदर एक मैं नोड बनाऊंगा, एक उसके अंदर हम दो चाइल्ड बना रहे होंगे, तो कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो स्ट्रक्ट नोड बना लिया। अब मुझे क्या चाहिए होगा, मैं देखूंगा जब भी कोई वैल्यू आए नोड में तब फिर वो क्या करे उस वैल्यू को उसके जो भी वैल्यू वाला सेंज है उसमें यहाँ पे रख दे। अब तुम नोड अगर क्लास बनाते तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, हम इसी के अंदर एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, नोड नाम से ही सेम नाम से फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या डालूंगा इंट वैल्यू, जो कि हमारे पास वैल्यू जो आएगी जो भी यूजर वैल्यू उसमें इंसर्ट करना चाह रहा है बाइनरी ट्री में
सेकेंड थिंग हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल हो जाए, वैल के इक्वल हो जाए, और लेफ्ट चाइल्ड और जो राइट चाइल्ड हमारा है वो अभी नल होगा, क्योंकि जब एक रूट नोड जब बनेगी तो उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल होगा, तो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू राइट चाइल्ड इज इक्वल टू नल। ठीक है, इतना कर दो, और ये हमारा एक समझो एक नोड का हमें फंक्शन एक हमने क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मेन फंक्शन में रन करना है। अब मेन फंक्शन में मैं कैसे रन करूँगा, मुझे एक स्ट्रक्ट मैंने लिया था, मैं एक इसका रूट नोड बनाऊंगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार नोड स्टार रूट, और इसी का मैं एक न्यू फंक्शन बना लेता हूँ, न्यू नोड, और वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 3। ठीक है, 3 से शुरू करेंगे हम। क्लियर, 3 से शुरू किया, तो अभी जो यहाँ पे जो 3 की जो वैल्यू बनी वो कुछ किस तरीके से बनी, अगर मैं इसको साइड बाई साइड लेकर के आऊँ, तो ये जो 3 बना वो कुछ मेरा ऐसा बना लाइक के, अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊँ और मैं इसको यहाँ से ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, हाँ, तो कुछ ऐसा बना कि यानी नोड बन गई, तो एक इसने बना दिया नोड, एक बना दिया मेरे पास एक ऐसे लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में। ठीक, और इसकी वैल्यू इसने अनसेट कर दी 3, और इसके लेफ्ट राइट चाइल्ड पे क्या है, नल है, और इस पे भी नल है। ठीक है, क्लियर है, एक हमारी ये वैल्यू क्रिएट हो गई है यहाँ पे, तो नल और नल ये मैंने 2 क्लियर कर दिया, यानी ये नोड एक बन गई, दिस इज अवर रूट नोड। ठीक है, फाइनली अब मुझे इसके अंदर अगर नोड मैंने इंसर्ट करानी तो मैं क्या बोलूंगा कि जो रूट है रूट के लेफ्ट में आप क्या डाल दो, लेफ्ट में डाल दो 5, और रूट के राइट चाइल्ड में क्या डाल दो 6। तो इस तरीके से मेरी जो नोड बन गई वो कैसी बन गई, अब यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे देखना, अभी हमारे पास ये नल नल था बस, अब इसने क्या किया, एक यहाँ से हट गया, एक ये यहाँ से हट गया, ठीक है, एक ये यहाँ से हट गया, और अब देखना इसने बोला कि रूट के लेफ्ट साइड पे क्या डाल दो 5 डाल दो, बट ऐसे नहीं 5 डालेंगे ना, मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नोड बनानी पड़ेगी, तो न्यू नोड, और इसके अंदर मैं इसके फंक्शन में डालूंगा न्यू नोड 5, एक न्यू नोड क्रिएट करो जिसका एड्रेस में क्या डाल दो उसको डाल दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पे एक और नोड बना दी, ठीक, जिसके अंदर इंसर्ट करा दी वैल्यू 5, इधर एक और नोड बना दी जिसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करा दी 6, और क्या बोला गया कि रूट के लेफ्ट, दिस इज अवर रूट, तो रूट के लेफ्ट चाइल्ड में रूट के लेफ्ट पे क्या डाल दो 5 की वैल्यू, तो रूट के लेफ्ट में किसका एड्रेस स्टोर करा दो 5 का एड्रेस स्टोर करा दो जो भी है, और रूट के राइट में क्या स्टोर करा दो 6 का एड्रेस स्टोर करा दो जो भी है, बट इनकी जो वैल्यूज होंगी वो अभी हमारे पास क्या है, नल है, दिस इज नल एंड दिस इज नल। मान के चलो कि इसका हमारे पास 210 है एड्रेस, इसका हमारे पास 230 है एड्रेस, तो इस यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 210, और यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 230। ठीक है, क्लियर, तो इस तरीके से हम बाइनरी ट्री बना सकते हैं कोई भी तरीके का। तो अगर आपको रूट के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट चाइल्ड में डालना है तो वो डाल दो, रूट के राइट चाइल्ड में राइट चाइल्ड में डालना है तो वो डाल दो। ठीक है, तो ये था एक बेसिक बाइनरी ट्री क्रिएट करने का मेथड। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्रैवर्स कैसे करेंगे, मतलब अगर मुझे ये चीज़ प्रिंट करानी है तो हाउ वी कैन प्रिंट। हमारे पास के 3 तरीके के मेथड होते हैं, 1, 2, 3, और एक और चौथा भी होता है जिसको हम इन ऑर्डर प्री ऑर्डर और वो करते हैं, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले रहे होंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्यू के तरीके से हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद कुछ हम बाइनरी ट्री के बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे लीडीट कोड वगैरह से उठा करके, देन वी विल मूव टू द डायनेमिक देन वी विल मूव टू द ग्राफ सेक्शन, और ग्राफ के बाद फिर आई विल सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा डायनेमिक वगैरह हम सीखेंगे उसमें। क्लियर, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप सबको पसंद आया होगा, तो जैसा जो भी लगा सब्सक्राइब नीचे कमेंट में लिख सकते हो, और क्या आप लर्न कर रहे हो आप वो लिख सकते हो नीचे, और आपके कैसे रिव्यूज़ हैं इस चीज़ के बारे में, मतलब चैनल के बारे में, वो आप लिख सकते हो। सो कुछ प्लान कर रहा हूँ तो वो जल्दी आएगा, कुछ भी जो भी है, तो चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।